नमस्कार दोस्तों, जॉब्स एंड करियर में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करूंगा एक ऐसे कंपनीज के बारे में जो देखा जाए तो एक एयरलाइंस कंपनी है और इंडिया के नंबर वन एयरलाइंस कंपनी है, जहाँ पे आपको केबिन क्रू के जॉब के लिए ऑफर किया जा रहा है। तो ये केबिन क्रू जॉब क्या होते हैं उसके बारे में भी डिस्कशन करूंगा, और इस जॉब के लिए आपको कौन सा क्राइटेरिया और कौन सा एलिजिबिलिटी चाहिए वो भी मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, कंटिन्यूअसली वीडियो पाने के लिए इस चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। तो चलो देख लेते हैं आज के जॉब के डिटेल्स के बारे में। सबसे पहली बात, इंडिगो में आपको जॉब मिलेगा, और इंडिगो आप सभी जानते हैं इंडिया के नंबर वन कंपनी है एयरलाइंस की इंडस्ट्रीज में। तो इस कंपनी के ऊपर आपको जॉब ऑफर किया जा रहा है, और वो भी कौन सा जॉब आप देख सकते हैं, केबिन क्रू का। तो टोटली जो जॉब है आपको ऑल ओवर इंडिया से आप अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी जगह से आप बिलोंग करते हैं तो। और ये जो जॉब मिलेगा आपको टोटली एज लिमिट के हिसाब से, आपका एज लिमिट 20 से 28 ईयर्स तक आपको होना चाहिए, और एस सी एस टी के लिए कुछ क्राइटेरिया यहाँ पे दिया गया है। फ्रेशर्स जरूर अप्लाई करिए, एक्सपीरियंस है आपका तो भी आप जरूर अप्लाई कर सकते हैं, तो उसके लिए एक प्लस पॉइंट जरूर रहेगा। उसका सैलरी में एक इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, उस सैलरी में अच्छा खासा सैलरी वो डिमांड कर सकते हैं। सिलेक्शन होने के लिए कुछ भी एग्जामिनेशन नहीं होगा, सिर्फ इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के माध्यम से आप सिलेक्शन हो पाएंगे। और रही बात इसका सैलरी पैकेज के बारे में बात करूं, तो सैलरी पैकेज भी आपको बाद में दिखाऊंगा, उससे पहले आपको कोई भी फीस नहीं देना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली सैलरी पैकेज जो है वो सिलेक्शन होने के बाद ही आपको मिलेगा, और फीस जो है वो एकदम नाक के बराबर है, मतलब कोई भी चार्जेस नहीं है। रही बात इसका एडुकेशन क्वालिफिकेशन के, आप यहाँ पे देख सकते हैं फीमेल और मेल के लिए अलग अलग कैटेगरी से आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन जो होना चाहिए, आपका एज लिमिट जो देखिए 18 से 27 ईयर, और आपको मिनिमम आपका क्वालिफिकेशन 10+2 लेवल का होना चाहिए, मतलब 12+ लेवल आप कंप्लीट कर चुके तो जरूर अप्लाई कर पाएंगे। और इसके लिए जो मैंडेटरी है वो है पासपोर्ट, पासपोर्ट आपको जरूर होना चाहिए, क्योंकि एयरलाइंस इंडस्ट्रीज में काम करना चाहेंगे तो आपको पासपोर्ट जरूर होना चाहिए। और अभी तो पासपोर्ट करना ईजी है, तो आप पासपोर्ट किस तरीके से करेंगे उसका डिटेल्स जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करिए, मैं आपको लिंक दे दूंगा, उस लिंक से जाकर आप पूरा डिटेल्स देख सकते हैं। तो आप साथ ही साथ आप देखेंगे तो कुछ कम्युनिकेशन का स्किल भी अच्छा होना चाहिए, जैसे फ्लुएंसी आप और क्लियरिटी, मतलब जो आपका क्लियरिटी है तो उसके ऊपर स्पीच, जैसे हिंदी और इंग्लिश के ऊपर अच्छा खासा आपको स्पीकिंग पावर होना चाहिए। देखिए फ्लुएंसी आप बोल सकते हैं कि नहीं सकते वो अलग बात है, आप बात कर सकते हैं नॉर्मली तो आप जरूर अप्लाई करिए। तो यहाँ पे जो आपका मिनिमम वेट एंड हाइट चाहिए तो 155 सेंटीमीटर, और उसके हिसाब से वेट आपका होना चाहिए। तो कुछ क्राइटेरिया पे फुलफिल करना होगा, जिसके बारे डिटेल्स यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज एंड यहाँ पे जो वेल जो आपका गुडनेस है तो उसके बारे में आप जरूर एलिजिबली हो पाएंगे, उसके ऊपर आपका स्किल है तो। तो कोई भी बॉडी में आपको कोई भी टैटूज वगैरह है और कोई भी मार्क्स मार्क्स कट ऑफ मार्क्स है तो आप एलिजिबल नहीं हो पाएंगे, तो प्लीज़ इसको ध्यान में रखिएगा। और इसके लिंक्स मैं नीचे दे दूंगा, जहाँ पे जाकर इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जहाँ पे आपको लिंक मिलेगा, इस लिंक में क्लिक करेंगे तो आपको इस साइट ओपन हो जाएगा, यहाँ पे आपको जॉब के साइट दिखा रहा है कि केबिन क्रू, और वो भी एयरबस के लिए। एयरबस आप सभी जानते हैं सबसे ज़्यादा बड़ा जो एयरक्राफ्ट होते हैं उसके बारे में बातचीत किया जा रहा है। तो यहाँ पे सारा इन्फॉर्मेशन है, उस इन्फॉर्मेशन को आप चेकआउट कर सकते हैं जो मैं पहले आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। और ये जो जॉब मिलेगा वो आपको बेंगलुरु में मिलेगा, और आपका एक्सपीरियंस 0 to 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो ये था जॉब का डिटेल्स, तो आपको इस वीडियो से कुछ इन्फॉर्मेशन अच्छा मिले तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरे साथ जुड़े रहना। मैं नया सीरीज भी स्टार्ट किया हूँ इसी चैनल के माध्यम से, कंप्यूटर स्किल का, वो आप देख सकते हैं, कोई भी जॉब के लिए, कोई भी इंटरव्यू के लिए और आपके फ्यूचर के लिए बहुत हेल्पफुल होगा, वो वीडियो भी जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।